लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। हमारा नौजवान जो पलायन करता अपने घर को अपनी भूमि को छोड़ करके नौकरी और रोजगार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, उसे अपनी भूमि को अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपने ही गांव में अपने ही क्षेत्र में उसको नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित होगी। यह हर नागरिक का अधिकार है, उसको सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर किसान को उसकी उपज का दाम मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। यह हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। और भाइयों बहनों, अच्छी सरकार ही यह काम दे सकती है। याद करिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन मध्य प्रदेश आपको पहचान नहीं दे पाया, कांग्रेस की सरकारें आपको पहचान नहीं दे पाई, विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं दे पाई। कोई सोचता था आज से 15 साल 20 साल पहले, क्या कोई सोचता था कि पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज होगा? सपना था भाइयों बहनों, सपना था, आज वो सपना साकार हुआ है। क्या कोई सोचता था कि नरेली को जोड़ने वाला वो मार्ग बन पाएगा? एक सपना था, आज वो साकार हुआ है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी, क्या कोई सोचता था? आज तो बेटियों और बहनों को अपने गगरे को सिर में रख करके 2, 5 और 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, आज तो हर घर में आरओ का पानी आने की तैयारी कर रहा है, तो आ चुका है, लाने की तैयारी की जा चल रही है। जो क्षेत्र पलायन होता था, आज वहां पर हर खेत को पानी पहुंचाने की, या तो पहुंचाया जा चुका है या पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रोजगार का सृजन स्थानीय स्तर पर ही हो, इसके लिए कार्य हो रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी में हम लोग एक नया नोएडा बसा रहे हैं, नया नोएडा। नया नोएडा का मतलब एक नोएडा को बनने में, दिल्ली के पास नोएडा को बनने में लगे थे 46 साल, और कुल जमीन वहां लगी है 33,000 एकड़, और हम लोग झांसी बुंदेलखंड में पहले ही चरण में 38,000 एकड़ में नया नोएडा बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे नए उद्योग लगेंगे और पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, यहां पर लोगों को अच्छे काम मिलेंगे। ढेर सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें बना रही है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अंतर कोई नहीं। जब एक जैसी पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, एक जैसी भाव और भंगिमा के साथ जनता जनार्दन की सेवा करना उनका लक्ष्य है, और उसी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। भैया बहनों, अगर कांग्रेस के एजेंडे में विकास होता तो आजादी के तत्काल बाद लगातार तो राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। हर गरीब के घर में शौचालय तो नहीं बना पाए ये लोग, हर गरीब को आवास भी नहीं दे पाए, हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना की सुविधा नहीं दे पाए। इनके समय में तो उज्ज्वला योजना के लिए पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था, और जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन भी था तो रसोई गैस कनेक्शन ठीक त्योहार के दिन जवाब देता था, और पता लगा उधर पकवान बनाने की घर में तैयारी हो रही है और इधर सिलेंडर खत्म, अब सिलेंडर लेने के लिए कोई जाता था तो सिलेंडर तो नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। उस बेचारे के लिए सिर दर्द था उस समय की गैस के सिलेंडर जैसे समाप्त हुआ, अब त्योहार मनाया कि एक तरफ पुलिस का डंडा, दूसरा घर का बेलना। अगर एक से बचेंगे तो दूसरा मारेगा, दूसरे से बचेंगे तो पहले की डंडे से बच नहीं पाएंगे। और भाइयों बहनों, आज तो
रसोई गैस जितना चाहिए मिलने मिलना है, और उसमें भी गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 रुपए की सब्सिडी कर दी। खूब उपयोग करिए, कोई समस्या नहीं, आंखें भी ठीक रहेंगी और ईंधन की भी समस्या नहीं। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले गरीब बीमार हो जाता था, सब कुछ बिक जाता था, आज 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। और सरकार ने कहा है, सरकार फिर से बीजेपी ने कहा है, सरकार में आएंगे तो मध्य प्रदेश में इस राशि को बढ़ाएंगे। बेटियों को कोई पूछता नहीं था, स्कूल नहीं जाती थी, आज तो लाडली बहना योजना ने एक नई लहर पैदा कर दी है। इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के बारे में सरकार की सोच रही है, इस सोच को भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृवंदना की जननी सुरक्षा की योजना है, तमाम जो योजनाएं थी ये केंद्र की या प्रदेश की ये बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, इसमें तुम्हें बताओ कौन सी कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की कोई योजना नहीं। कांग्रेस विकास की योजना भी नहीं दे पाई थी, कांग्रेस लोक कल्याणकारी योजनाएं भी नहीं दे पाई थी। कांग्रेस के समय में छवि भी देश और प्रदेश की अच्छी नहीं बन पाई थी, और कांग्रेस हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे कल एक चित्र देख करके एक संतुष्टि हुई कि राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या है, कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसलिए मैदान छोड़कर के भाग चुके हैं। दूसरा, केदारनाथ पुरी को प्रधानमंत्री जी ने एकदम नया केदारनाथ बसा दिया, भगवान केदारनाथ जी की उस भव्य धाम को एक नया स्वरूप दे दिया। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस नहस हो गया था, कांग्रेस की सरकार थी, कई कई दिनों तक कई कई महीनों तक वो भटकते रहे, कोई पुरसाहार नहीं था, राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने तब कहा था कि भाई हमें ऑफर, हमें मौका दीजिए, हम वहां सेवा का कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी थी और मोदी जी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर के आज केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप दिया है। मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी अपने संकट के समय उसी केदारनाथ जी में रह करके भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये तो गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा। केदारनाथ पुरी का पुनरोद्धार हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोग गए हैं इधर काशी में, काशी विश्वनाथ धाम देखा ना, अच्छा लगा ना, कितना बड़ा भव्य बन चुका है। और मुझे एक बात बताइए, अयोध्या कितने लोग गए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। और मैं एक और बात बता देता हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में रामलला को उनके भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद बैठाने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक केदारनाथ धाम का जो कार्य हुआ है, नव निर्माण हुआ है, या काशी विश्वनाथ धाम का जो नव निर्माण हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हो पाता। और अयोध्या में रामलला के मंदिर की समस्या का समाधान क्या कांग्रेस ही कर पाते क्या, ये कभी नहीं करते, क्योंकि ये तो स्वयं में समस्या है, कांग्रेस स्वयं में समस्या है, वे समस्या बनाने में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाधान लाने में विश्वास करती है। बस
आप सहमत है ना? तो आपको समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान। तो समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी है। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां से विजेंद्र प्रताप सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह से और पन्ना में जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के, सबको विजयी बनाएंगे, सबको बनाएंगे। सभी सहमत है ना? तो यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि 17 नवंबर को चुनाव है और समस्या को तो दीपावली के पहले ही समाप्त कर देना है। 11 नवंबर को अयोध्या का दीपोत्सव है। मैं कल फिर अयोध्या जा रहा हूं और तैयारी देख रहे। 11 नवंबर को अयोध्या का दीपोत्सव और 12 को दीपावली का आयोजन पूरे देश के अंदर होगा। भाइयों बहनों, बस 11 को ही एक दीपक भगवान के नाम पर जला करके कांग्रेस से मुक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कमल को फुलाने की तैयारी के साथ हम 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को वोट पोल करेंगे। सहमत है सभी लोग? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, महाराज अजय पाल की, महाराज अजय पाल की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।